इस कहानी की शुरुआत एवेंजर्स के न्यूयॉर्क बैटल के बाद से होती है, जहां इस लड़ाई में फैले गए कचरे को साफ करने के लिए एडियन की टीम को हायर किया गया था। वो बिल्डिंग में मौजूद शितोरी शिप्स के कचरे को साफ करवा रहा था, तभी वहां डैमेज और डिपार्टमेंट कंट्रोल से कुछ ऑफिसर आते हैं और वो एडियन को कहते हैं कि नए ऑर्डर्स के मुताबिक अब ये सारा साफ सफाई का काम हमारे अंडर है और अब हम ही एलियन हथियारों का रखरखाव करेंगे, इसीलिए तुम सब यहां से जा सकते हो। तो एडियन उस लेडी ऑफिसर को कहता है कि मैंने इस काम के लिए नए ट्रक खरीदे हैं और मेरा सारा पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगा है, इसीलिए अगर ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से चला गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। तो वो कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। एडियन को इससे उन पर बहुत गुस्सा आता है और जब वो वापस अपने गैराज पर आता है तो उसके आदमी देखते हैं कि उन एलियन का कुछ मलबा अभी भी हमारे पास पड़ा है। तो मेसन उस एलियन कोर पर अपनी रिसर्च करना शुरू कर देता है क्योंकि उसे नई नई चीजों पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था। उसे एहसास होता है कि वो इन एलियन चीजों से बहुत ही खतरनाक चीजें बना सकते हैं, इसीलिए अब एडियन भी डिसाइड करता है कि वो इलीगल काम करके ही बहुत सारे पैसे कमाएगा और अब इसी वजह से एडियन इस मूवी का मेन विलन बन जाता है। वहीं फिर हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अब एडियन ने अपनी पूरी एक इलीगल कंपनी बना ली थी जिसमें वो एलियन कोर से हथियार बनाकर ब्लैक मार्केट में बेचा करता था। हमें ये भी पता चलता है कि एडियन ने उस एलियन कोर से एक ऐसा वल्चर सूट बनाया था जिसकी मदद से वो उड़ सकता था और उसी से ही वो एलियन कोर को चुराया करता था। फिर हमें दिखाया जाता है कि अब टोनी स्टार्क को स्पाइडरमैन यानी कि पीटर पार्कर के बारे में पता चल जाता है क्योंकि पीटर का एक वीडियो यूट्यूब पर काफी वायरल हो चुका था, इसीलिए टोनी स्टार्क पीटर पार्कर से मिलता है क्योंकि ये वही टाइम होता है जब टोनी स्टार्क को कैप्टन अमेरिका के अगेंस्ट में एक टीम खड़ी करनी थी, इसीलिए स्टार्क ने उसे एक नया सूट भी दिया था जिसे देख कर पीटर बहुत खुश होता है। और फिर इस मिशन के खत्म होने के बाद टोनी स्टार्क वापस से पीटर पार्कर को घर छोड़ देते हैं और उसे उसका नया सूट भी देते हैं। वो अपने नए सूट को लेकर बहुत खुश होता है। वहीं फिर हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पीटर हर दिन स्कूल खत्म होते ही अपना सूट पहनकर लोगों की मदद करने जाया करता था। एक दिन वो देखता है कि कुछ गुंडे एटीएम से पैसे चुरा रहे हैं, तो पीटर उन्हें रोकने के लिए वहां पहुंच जाता है। वो उन सभी को मारने लगता है लेकिन तभी उनमें से एक गुंडा पीटर पर हाईटेक गन से अटैक कर देता है। ये वही शितोरी कोर से बनी गन होती है जिन्हें एटीएम बेचा करता था। उस गन के अटैक से बाहर एक शॉप पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। पीटर उस दुकान के ओनर को बचाकर बाहर ले आता है और वो वहाँ से चला जाता है। वो हैप्पी को इस बारे में बताता है लेकिन हैप्पी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। पीटर जब अपने कपड़े चेंज करने लगता है तो वो देखता है कि उसका बैग किसी ने चुरा लिया है, इसीलिए उसे सबसे छिपकर अपने घर जाना पड़ता है जहाँ पीटर मौका देखकर अपने रूम में चला जाता है और गेट बंद कर देता है ताकि आंट में उसे ना देख सके। मगर जैसे ही पीटर मुड़ता है तो वो देखता है कि नेट वही मौजूद होता है। नेट ये देखकर शॉक्ड हो जाता है कि पीटर ही स्पाइडर मैन है। नेट पीटर से पूछता है कि क्या आंट मे को इसके बारे में पता है, तो पीटर उसे बताता है कि इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, इसीलिए अब तुम भी किसी को कुछ मत बताना, और पीटर उसे कसम दे देता है। नेट वहाँ से चला जाता है। अगले दिन नेट उससे अजीब अजीब तरह के क्वेश्चन पूछने लगता है, तभी वो लीज की बातें सुनता है कि लीज स्पाइडर मैन को पसंद करती है। तो नेट उसे कह देता है कि पीटर स्पाइडर मैन को जानता है, तो लीज उसे आज रात अपने घर पर रखी पार्टी में इन्वाइट करती है और कहती है कि तुम स्पाइडर मैन को भी साथ लेकर आना। पीटर नेट पर बहुत गुस्सा करता है तो नेट उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लीज को पसंद करते हो और वो भी तुम्हें यानी कि स्पाइडर मैन को पसंद करती है। पीटर रात को नेट के साथ उस पार्टी में जाता है जहाँ फ्लैश पीटर को चिढ़ाने लगता है कि तुम्हारा दोस्त स्पाइडर मैन कहाँ है, क्या तुमने हमसे झूठ कहा था। इससे गुस्सा होकर पीटर स्पाइडर मैन बनकर पार्टी में आने लगता है, तभी उसे एक धमाका हुआ नजर आता है। पीटर भागता हुआ उस तरफ पहुँचता है जहाँ वो एक ब्रिज के नीचे देखता है कि वल्चर के आदमी एक गुंडे को हाईटेक हथियार बेच रहे थे। इससे पीटर समझ जाता है कि उन एटीएम चोरों को भी हथियार इन्हीं से मिले होंगे। पीटर उनकी बातें सुन ही रहा होता है कि तभी उसका फोन बजने लगता है जिससे वल्चर के आदमी उस गुंडे पर गन पॉइंट कर देते हैं। ये देखकर पीटर उनके सामने आता है और उसकी गन छीनकर उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी जैक्सन उस पर हाईटेक गन से अटैक कर देता है जिससे पीटर दूर जाकर गिरता है। वो गुंडे वहाँ से भागने लगते हैं। पीटर उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भागता है मगर जैक्सन उस पर बार बार गन से अटैक करता है जिससे वो गन बाहर गिर जाती है। वो अपने बॉस एडियन यानी कि वल्चर को कॉल करते हैं और वल्चर अपना सूट पहनकर वहाँ आ जाता है। वो पीटर को पकड़कर बहुत ऊंचाई पर लेकर जाता है और उसे नीचे फेंक देता है। पीटर अपने पैराशूट को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो उस पैराशूट में फंस जाता है जिससे वो पानी में डूबने लगता है, लेकिन उसके सूट में लगे सेंसर की वजह से आयरन मैन के पास इसका मैसेज पहुँच जाता है। आयरन मैन उसे बचाकर वहाँ से बाहर ले आता है। पीटर उन्हें बताता है कि कोई
छोड़ने वाला आदमी हाईटेक हथियार बना रहा है, इसीलिए हमें उसे रोकना ही होगा। तो आयरन मैन उसे कहते हैं कि उसे रोकने के लिए दूसरे लोग हैं, इसीलिए तुम अपनी हीरोपंती बंद करो। तो पीटर उन्हें कहता है कि आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। तो वो कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं हूँ क्योंकि ये मेरा रोबोट है, और अब तुम प्लीज इन गुंडों के पीछे मत पड़ो और आम लोगों की सेवा करो। तो पीटर उन्हें कहता है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। तो उसे कहते हैं कि तुम जिद मत करो, और अगर तुम्हें वो हथियार फिर से दिखे तो तुम हैप्पी को कॉल करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। पीटर काफी परेशान होता है, और जब वो वापस लौट रहा होता है तो उसे वही टूटी हुई हाईटेक गन दिखाई देती है। पीटर उस गन को लेकर अपने घर आ जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि वो गुंडे जब अड्डे पर पहुँचते हैं तो वल्चर जैक्सन पर बहुत गुस्सा होता है। वो उसे कहता है कि तुम्हें इन हथियारों का इस्तेमाल खुले में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर एवेंजर्स और FBI को इसके बारे में पता चल गया तो हमारा सारा धंधा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन जैक्सन उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता, जिससे गुस्सा होकर वल्चर उसे जान से मार देता है, और वो शोकर को कहता है कि अब तुम जाकर उस खोई हुई गन को ढूंढो। वहीं हमें पीटर और नेट को दिखाया जाता है जो एक वर्कशॉप में उस गन की चेकिंग कर रहे थे, जिससे उन्हें पता चलता है कि उन गुंडों ने हमारी टेक्नोलॉजी को एलियन टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स करके ये खतरनाक हथियार बनाए हैं। पीटर नेट को कहता है कि अब हमें कुछ भी करके ये पता लगाना ही होगा कि हथियार कौन बना रहा है। फिर वो उसे लैब में लेकर जाने लगते हैं ताकि उस पर रिसर्च कर सके। तभी पीटर वहाँ शोकर को देखता है, वो वहाँ उस हथियार को ढूंढने आया था। पीटर छिपकर उसका पीछा करने लगता है। शोकर को वहाँ गन नहीं मिलती और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी पीटर अपनी एक ट्रेकिंग स्पाइडर शोकर के ऊपर छोड़ देता है, जिससे अब नेट और पीटर उन पर नजर रखने लगते हैं ताकि वो उनके अड्डे तक पहुँच सके। नेट को ट्रेकर से पता चलता है कि वो मेरीलैंड में है। पीटर उन लोगों को पकड़ने के लिए वहाँ जाने का डिसाइड करता है, लेकिन दिक्कत तो ये होती है कि वो जगह यहाँ से 500 किलोमीटर दूर थी। तो पीटर को एक आइडिया आता है और वो नेशनल क्वीज में जाने का डिसाइड करता है, क्योंकि क्वीज वाली जगह से मेरीलैंड बहुत ही पास था। अगले दिन पीटर वहाँ पहुँचने के लिए बाकी स्टूडेंट के साथ क्वीज में जाने के लिए पहुँच जाता है। सभी स्कूल बस से वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में पीटर को हैप्पी का कॉल आता है, क्योंकि हैप्पी उसे ट्रैक कर रहा था। हैप्पी उसे कहता है कि तुम न्यूयॉर्क से बाहर क्यों जा रहे हो। तो पीटर उसे कह देता है कि मैं स्कूल ट्रिप पर जा रहा हूँ। तो रिप्लाई में हैप्पी उसे कहता है कि मैं हर पल तुम पर नजर रखूंगा। वो सब वहाँ पहुँच जाते हैं। पीटर अपने सूट से ट्रेकर निकालने लगता है ताकि हैप्पी उसे ट्रेक ना कर सके। नेड उसे कहता है कि तुम ये सही नहीं कर रहे हो। तो पीटर कहता है कि मिस्टर स्ट्रोक को मुझ पर भरोसा नहीं है। पीटर अपने सूट में लगा ट्रेकर निकाल देता है। नेड जब उसे ट्रेक करके देखता है तो उसे ट्रेक नहीं कर पाता। साथ ही नेड उसे ये भी बताता है कि तुम्हारे सूट में और भी फीचर है, लेकिन उन्हें ट्रेनिंग व्हील प्रोटोकॉल ने लॉक कर रखा है। तो पीटर नेट को कहता है कि तुम ये लॉक बंद कर दो, क्योंकि मुझे ट्रेनिंग की कोई जरूरत नहीं है और मुझे खुद को साबित करना है कि मैं बड़े बड़े काम भी कर सकता हूँ। तो नेट ट्रेनिंग व्हील प्रोटोकॉल को ऑफ कर देता है। पीटर जैसे अपने सूट को पहनकर वहाँ जाने के लिए निकलने लगता है तो उसे अपने सूट में एक स्मार्ट असिस्टेंट की वॉइस सुनाई देती है, जिसे पीटर सूट लेडी कहता है। वो उसे बताती है कि तुमने ट्रेनिंग व्हील प्रोटोकॉल पूरा कर लिया है, इसीलिए तुम इस सूट के सारे फीचर को यूज कर सकते हो। पीटर उसे कहता है कि मैंने गुंडों के ऊपर ट्रेकर लगाया है, इसीलिए मुझे वहाँ पहुँचना है। तो सूट लेडी उस जगह की लोकेशन का नेविगेशन ऑन कर देती है। पीटर सूट लेडी की मदद से उस लोकेशन पर पहुँच जाता है, जो कि असल में एक फ्यूल स्टेशन होता है। सूट लेडी उसे बताती है कि वहाँ कार में 3 गुंडे हैं। पीटर उसे कहता है कि मुझे उनकी बातें सुननी है, तो एडवांस मोड ऑन कर देती है, जिससे पीटर को उनकी बातें सुनाई देने लगती है, जिससे पीटर को पता चलता है कि अभी यहाँ से गुजरने वाले डैमेज कंट्रोल के ट्रक को लूटने वाले हैं, जिनमें शीतोरी चिप्स का मलबा भरा हुआ है। स्पाइडर मैन उन्हें रोकने जाने लगता है, लेकिन तभी वो नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसके सूट में एडवांस रैपिड फायर मोड एक्टिवेट हो गया था। सूट लेडी उसे बताती है कि तुम्हारे सूट में 576 वेब शूटर कॉम्बिनेशन है, इसीलिए तुम उनमें से कोई भी चूज कर सकते हो। लेकिन पीटर को उनमें से कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसने ट्रेनिंग पूरी नहीं की थी, इसीलिए वो सूट लेडी को ही वेब शूटर चुनने को कहता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रक्स वहाँ से गुजरने वाले होते हैं। तभी वल्चर भी वहाँ पहुँच जाता है और वो अपने हाईटेक हथियारों से सीधा उस ट्रक के अंदर पहुँच जाता है। वो वहाँ से शीतोरी कोट चुरा कर जाने लगता है, लेकिन तभी पीटर उससे वो बैग छीन लेता है। पीटर उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी उसके वेब शूटर दूसरे मोड में चले जाते हैं, जिससे पीटर ट्रक के अंदर गिरकर बेहोश हो जाता है। पीटर की जब आँख खुलती है तो उसी कंटेनर में होता है। पीटर जब बाहर आता है तो सूट लेडी उसे बताती है कि हम डैमेज कंट्रोल की सिक्योर फैसिलिटी में है। पीटर वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वहाँ का गेट लॉक होता है। तो सूट लेडी उसे बताती है कि एक गेट कल सुबह तक बंद रहेगा। पीटर इससे काफी परेशान हो जाता है। फिर वो वहाँ टाइम पास करने लगता है। वो सूट लेडी से कहता है कि तुम्हें सूट लेडी सुनना अजीब लगता होगा, इसीलिए
लिए वो उसे केरन नाम दे देता है। फिर पीटर वहाँ अपने सूट की सारी ट्रेनिंग पूरी कर लेता है। पीटर वल्चर का बैग चेक करता है तो उसे उसमें वही शितोरी एनर्जी कोर मिलता है। सूट लेडी उसे बताती है कि शितोरी कोर रेडिएशन के संपर्क में आने पर बॉम्ब की तरह फट सकता है, तो पीटर बहुत डर जाता है क्योंकि एक कोर उसने नेट को संभाल कर रखने को दिया था। पीटर नेट से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसे कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता। पीटर वहाँ लगे लोग को हैक करने की कोशिश करता है ताकि वो गेट ओपन हो सके। काफी कोशिश करने के बाद वो डोर ओपन हो जाता है। पीटर जल्दी से वहाँ से निकलकर क्यूज में जाने के लिए निकल जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि नेड उस शितोरी कोर को भी अपने साथ लेकर क्यूज में चला जाता है। वो सभी क्यूज जीत लेते हैं। इसी खुशी में वो वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट देखने जाते हैं। पीटर नेड को कॉल लगाता है और उसे कोर के बारे में पूछता है तो नेड उसे बताता है कि वो मेरे बैग में है। पीटर उसे बताने लगता है कि वो बॉम्ब की तरह फट सकता है लेकिन तभी लीच फोन ले लेती है और वो उस पर बहुत गुस्सा होती है कि तुम कहाँ हो। फिर वो सभी अंदर चले जाते हैं जिससे जब उनके बैग की चेकिंग होती है तो रेडिएशन की वजह से वो कोर एक्टिवेट होने लग जाता है। जैसे ही सब लिफ्ट से ऊपर जाने लगते हैं तो कोर ब्लास्ट कर जाता है जिससे उस मॉन्यूमेंट का ऊपर का हिस्सा क्रैक हो जाता है और सारे सेफ्टी सिस्टम फेल हो जाते हैं। पीटर भी वहाँ पहुँच जाता है। एमजे उसे बताती है कि मेरे सारे दोस्त ऊपर हैं, तो पीटर उन सभी को बचाने के लिए सीधा ही उस टावर पर चढ़ने लग जाता है। वहीं वो लिफ्ट बीच में ही खराब हो चुकी थी जिससे सभी काफी डर जाते हैं। सूट लेडी पीटर को बताती है कि लिफ्ट बहुत ही जल्दी नीचे गिरने वाली है, इसीलिए हमें जल्दी ही उन्हें बचाना होगा। और वो इसके लिए छानबीन मोड को एक्टिवेट कर देती है जिससे पीटर के सूट से एक स्पाइडर निकलकर वहां अंदर घुसने का रास्ता ढूंढ लेती है। उसे एक विंडो दिखाई देती है। पीटर उस विंडो के पास पहुंचता है मगर वो काफी डर रहा होता है क्योंकि वो इतनी ऊपर पहले कभी नहीं चढ़ा था। लेकिन फिर वो हिम्मत करके विंडो तोड़ने की कोशिश करने लगता है लेकिन वो विंडो नहीं टूटती क्योंकि वो बुलेट प्रूफ ग्लास से बनी होती है। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और वो स्पाइडर मैन को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। वहीं पीटर के दोस्त उस लिफ्ट से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से वो लिफ्ट भी टूटने लगती है। वहीं पीटर को भी एक आइडिया आता है और वो विंडो से अंदर जाने के लिए हेलीकॉप्टर पर जंप लगाकर सीधा उस मॉन्यूमेंट के अंदर एंटर कर जाता है। वो लिफ्ट नीचे गिरने लगती है। तभी पीटर अपने वेब से उस लिफ्ट को पकड़ लेता है जिससे फाइनली सबकी जान बच जाती है। लेकिन तभी पीटर भी नीचे लिफ्ट में गिर जाता है जिससे वो सभी नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी पीटर अपने वेब शूटर से ऊपर थ्रेड फेंक कर लिफ्ट को पकड़ लेता है। वो एक एक करके सभी को बाहर निकाल देता है। लीच भी बाहर निकलने लगती है लेकिन तभी वो लिफ्ट नीचे गिर जाती है। पीटर अपने थ्रेड से लीच को बचा लेता है जिससे स्पाइडर मैन अब सभी का हीरो बन जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि अब स्कूल में भी स्पाइडर मैन फेमस हो जाता है। पीटर सूट लेडी से बात करता है और उसे फ्राइडे की रिकॉर्डिंग दिखाने को कहता है जब वो आदमी हाईटेक हथियार बेच रहे थे। सूट लेडी उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करती है लेकिन वल्चर के आदमियों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि वो सबसे छिपकर काम किया करते थे। लेकिन सूट लेडी को उस गुंडे का रिकॉर्ड मिल जाता है जो उनसे हथियार खरीदने आया था। उसका नाम एरन डेविस था। पीटर उस क्रिमिनल के बारे में पता करके उसके पास पहुंचता है। पीटर उससे पूछता है कि तुम मुझे बता दो कि खतरनाक हथियार कौन बेच रहा है क्योंकि अगर ये हथियार हमारी गलियों तक पहुंच गए तो सभी जगह तबाही होगी। तो एरन उसे कहता है कि मैं भी नहीं चाहता कि ये हथियार हमारी गलियों तक पहुंचे क्योंकि मेरा परिवार भी यही रहता है लेकिन मैं नहीं जानता कि उनका अड्डा कहाँ पर है। मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आज रात वो मेरे दोस्त को आइलैंड फेरी शिप पर हाईटेक गन बेचने वाले हैं। पीटर उस शिप पर पहुंच जाता है जहाँ पीटर एडियन को भी देखता है लेकिन उसे पता नहीं होता कि वही वल्चर है। वो गुंडे उस डीलर को गन बेचने लगते हैं। तभी पीटर वहाँ पहुँच जाता है और उन सबको मारने लगता है। एडियन भी वहाँ पहुँच जाता है। पीटर उसे पकड़ने लगता है लेकिन तभी वहाँ एफबीआई आ जाती है जिससे एडियन को सूट पहनने का मौका मिल जाता है। एडियन सूट पहनकर सभी पर हमला करने लगता है। पीटर वल्चर को पकड़ने की बहुत कोशिश करता है। वो उसे अपने थ्रेड से पकड़ लेता है मगर वल्चर अपनी गन से उस पर अटैक करता है तो पीटर उसकी गन छीन लेता है लेकिन वो गन एक्टिवेट हो जाती है। पीटर उस गन को अपने वेब की मदद से पकड़ लेता है लेकिन उस गन से लेजर निकलने लगती है और देखते ही देखते वो शिप दो हिस्सों में कट जाती है। वल्चर शोकर को बचाकर वहाँ से निकल जाता है। शिप दो हिस्सों में अलग होकर नीचे गिरने लगती है। पीटर सभी को बचाने के लिए अपने वेब से सभी स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बांध देता है। सभी लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं लेकिन तभी वो वेब टूटने लगते हैं। मगर तभी वहाँ आयरन मैन आ जाता है। वो अपनी मशीनों की मदद से उस शिप को वापस से जोड़ देता है। स्टार्क स्पाइडर मैन से एक टावर पर मिलते हैं जहाँ वो पीटर पर बहुत गुस्सा होता है कि तुमने करोड़ों के सूट को हैक किया ताकि तुम वही कर सको जो करने के लिए तुम्हें मना किया गया था। तो पीटर उन्हें कहता है कि वो लोग खतरनाक हथियार बेच रहे थे और मैंने आपको वार्न भी किया था, इसी
इसीलिए अगर आप मेरी बात सुन लेते तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो स्टार्क सूट से बाहर निकलते हैं और उसे कहते हैं कि अगर आज किसी की जान चली जाती तो तुम ही उसके जिम्मेदार होते, और अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होता, और मैं अभी उसके लिए तैयार नहीं हूँ। तो पीटर उनसे सॉरी कहता है कि मैं समझता हूँ, लेकिन मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ। तो उसे कहते हैं कि तुम उसे बेहतर बन सकते हो। फिर उससे सूट वापस मांगते हैं तो पीटर उन्हें कहता है कि मैं सूट के बिना कुछ नहीं हूँ। तो स्टार्क उसे कहते हैं कि अगर तुम इसके बिना कुछ नहीं कर सकते तो तुम इसके लायक नहीं हो। फिर उससे सूट ले लेते हैं। पीटर अब काफी परेशान रहने लग जाता है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए अब वो अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लग जाता है। पीटर लिज के पास जाता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो लिज उसे कहती है कि मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम सीक्रेट छुपा नहीं सकते, इसीलिए वो उसे आज रात डिनर पर बुलाती है। पीटर तैयार होकर उसके घर पर जाता है, लेकिन वहाँ एडियन मौजूद होता है। पीटर ये देखकर काफी डर जाता है कि वल्चर ही लिज के डैड है, लेकिन वल्चर पीटर को नहीं पहचान पाता क्योंकि उसने स्पाइडरमैन का चेहरा नहीं देखा था। वो पीटर को घर के अंदर लाता है। लिज और पीटर साथ में स्कूल में होने वाली होमकमिंग पार्टी के लिए निकलते हैं, तो एडियन उन्हें छोड़ने के लिए जाता है। रास्ते में लिज की बातों से एडियन को पता चल जाता है कि पीटर स्पाइडरमैन है, इसीलिए वो लिज को ये बहाना बनाकर पार्टी में भेज देते हैं कि मुझे पीटर से कोई बात करनी है। लिज पार्टी में चली जाती है। वल्चर पीटर से पूछता है कि क्या लिज को पता है कि तुम स्पाइडरमैन हो। तो पीटर कहता है नहीं। तो वल्चर उसे कहता है कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ कि तुम आज से मेरे काम में दखल मत देना, वरना तुम्हारी फैमिली जिंदा नहीं बचेगी। पीटर अंदर पार्टी में जाता है, लेकिन उसे ये सब अच्छा नहीं लगता, और वो वल्चर को रोकने के लिए स्कूल से अपना पुराना सूट निकालता है जो उसने वही ड्रॉवर के पीछे छिपा रखा था। पीटर अपना सूट पहनकर जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ शोकर आकर पीटर को मारता है, जिससे उसके वेब शूटर भी खुल जाते हैं। पीटर उन्हें लेने की काफी कोशिश करता है, लेकिन शोकर उसे बहुत मारता है। तभी वहाँ नेट आकर पीटर को बचा लेता है। पीटर नेट को बताता है कि वल्चर और कोई नहीं बल्कि लिज के डैड है, इसीलिए तुम हैप्पी को कॉल करो और कंप्यूटर से मेरे फोन को ट्रैक करो, क्योंकि मेरा फोन मैंने कल्चर की गाड़ी में ही छोड़ दिया था। पीटर एडियन को ढूंढने के लिए जाता है, तभी रास्ते में उसे फ्लैश मिलता है और पीटर फ्लैश की गाड़ी और उसका फोन ले लेता है। पीटर नेट को कॉल लगाता है और उसे हैप्पी को इस बारे में बताने को कहता है। नेट हैप्पी को कॉल लगाता है, लेकिन हैप्पी पीटर की बात को सीरियस नहीं लेता क्योंकि वो एवेंजर टावर का सारा सामान एक प्लेन में लोड करवा रहा था, क्योंकि एवेंजर का टावर अब दूसरी जगह शिफ्ट होने वाला था। हैप्पी नेट की बातें सुने बगैर ही कॉल कट कर देता है। नेट इस बारे में पीटर को बताता है, तो इसे पीटर समझ जाता है कि वल्चर उसी प्लेन को आज लूटने वाला है। पीटर वल्चर को रोकने के लिए उसके अड्डे पर पहुंचता है। पीटर एडियन से कहता है कि तुम लिज को धोखा क्यों दे रहे हो। तो उसे कहता है कि मैं किसी को धोखा नहीं दे रहा, मैं ये सब अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। फिर वो पीटर को समझाने लगता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम नहीं जानते कि ये दुनिया कैसे चलती है। तो पीटर कहता है कि मैं इतना जानता हूँ कि क्रिमिनल को हथियार बेचना गलत है। तो रिप्लाई में वल्चर कहता है कि हम आम इंसान है, हमारी परवाह किसी को नहीं है, हम अमीर लोगों के लिए काम करते हैं, उनके लिए जंग में जान गंवाते हैं, फिर भी किसी को हमारी परवाह नहीं है। इन बातों में फंसा कर एडियन उसके ऊपर विंग से अटैक कर देता है। पीटर उसके वार से बचता जाता है, लेकिन एडियन का प्लेन कुछ और होता है और उस बिल्डिंग के सारे पिलर को तोड़ देता है, जिससे वो पूरी छत पीटर के ऊपर गिर जाती है। एडियन वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो प्लेन कुछ ही समय में उड़ने वाला था। वही हमें दिखाया जाता है कि पीटर अभी भी जिंदा होता है, लेकिन वो मलबे के अंदर दब गया था, इसीलिए पीटर मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी पीटर पानी में अपना फेस देखता है, जिससे उसे मिस्टर स्टो की बात याद आती है कि अगर तुम इस सूट के बिना कुछ नहीं हो तो तुम इसके लायक नहीं हो। इससे पीटर में जोश आ जाता है और अपनी पूरी पावर लगाकर उस पिलर को अपने ऊपर से हटा देता है। पीटर वहाँ वल्चर को देखता है जो प्लेन के उड़ते ही उसके पीछे जाने की तैयारी करता है, लेकिन तभी पीटर उसके पीछे जाकर उसके सूट से लटक जाता है। वल्चर को अपना सूट भारी लगता है, लेकिन उसका साथी जेसन उसे कहता है कि तुम्हें नए इंजन की वजह से ऐसा लग रहा होगा। वहीं उस प्लेन को इनविजिबल पैनल की मदद से इनविजिबल कर दिया जाता है ताकि वो प्लेन किसी को नजर ना आए और वो सेफली उसकी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। लेकिन वल्चर को जेसन द्वारा बनाए गए ग्लासेस से वो प्लेन अभी भी नजर आ रहा था। वल्चर प्लेन के ऊपर पहुंच जाता है, पीटर भी उसके पीछे प्लेन पर पहुंचता है, लेकिन वो हवा के प्रेशर की वजह से प्लेन से लटक जाता है। वल्चर अपने सूट में हाई एल्टीट्यूड वैक्यूम सील की मदद से प्लेन के अंदर चला जाता है। वो कॉकपिट तक पहुंचकर उस प्लेन को हैक कर लेता है और उस प्लेन की जगह नकली ड्रोन लॉन्च कर देता है, जिससे हैप्पी को लगता है कि वो प्लेन सही डायरेक्शन में जा रहा है। वल्चर उस प्लेन को दूसरी डायरेक्शन में ले जाता है
जाता है। पीटर वल्चर के सूट तक पहुंचकर उसे वहां से हटाने की काफी कोशिश करता है और वो फाइनली उस सूट को दूसरी तरफ खिसका देता है जिससे वैक्यूम सील टूट जाती है और उस प्लेन में सायरन बजने लगता है। वल्चर पीटर को देख लेता है और बाहर आकर पीटर पर अटैक करने लगता है। पीटर उसके वार से बचता है लेकिन इसी फाइट में प्लेन के इंजन ब्लास्ट हो जाते हैं। प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश होने लगता है। जेसन वल्चर को वहां से निकलने को कहता है लेकिन वल्चर उसे कहता है कि मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा और वो प्लेन के अंदर जाता है। पीटर देखता है कि प्लेन सिटी में क्रैश होने वाला है इसीलिए वो प्लेन को सिटी के दूसरी तरफ मोड़ देता है जिससे वो प्लेन सिटी से दूर जाकर क्रैश हो जाता है। पीटर इस हादसे में सेफली बच जाता है लेकिन तभी वल्चर अपने सूट से उस पर अटैक करता है। वल्चर का सूट अब काफी डैमेज हो चुका था लेकिन वो फिर भी पीटर पर वार करके उसे मारने लगता है। वो पीटर को बहुत मारता है तभी उसे वहाँ शितोरी कोर दिखाई देते हैं और वो लालच में सारे शितोरी कोर को एक साथ लेकर उड़ने लगता है लेकिन उसका सूट डैमेज होने की वजह से ब्लास्ट होने लगता है। पीटर ये देख लेता है और उसे बचाने के लिए उसे रोकने लगता है लेकिन वल्चर उस वेव को काट देता है जिससे उसका सूट ब्लास्ट होकर नीचे गिर जाता है। पीटर वल्चर को बचाने जाता है और उसे सेफली बचाकर बाहर ले आता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब एपी पुलिस को लेकर वहाँ पहुँचती है तो सारा सामान सेफली वहाँ थ्रेड से बंधा होता है और साथ ही पीटर ने वल्चर को भी वही बांध दिया था। पीटर वहाँ अपना मैसेज छोड़कर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन जब पीटर स्कूल जाता है तो देखता है कि लीज अब स्कूल छोड़कर जा रही थी। पीटर लीज के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे डेट के लिए बहुत बुरा लगा। तो लीज उसे कहती है कि हम ओरेगोन में शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि मेरी मॉम को वो जगह पसंद है। लीज उसे बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पीटर को क्लास में एपी का मैसेज आता है और उसे बाथरूम में मिलने के लिए बुलाता है। पीटर हैप्पी से मिलता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो हैप्पी उसे कहता है कि मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। फिर वो ये भी बताता है कि टोनी स्टार्क तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर उसे अपने साथ एवेंजर के नए हेडक्वार्टर में लेकर जाता है जो अभी अभी बनकर तैयार हुआ था। पीटर बहुत खुश होता है। हैप्पी उसे टावर के अंदर लेकर जाता है। टोनी स्टार्क उसके काम से बहुत खुश होते हैं। वो उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारा सूट नहीं लेना चाहिए था लेकिन जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है क्योंकि अब तुम बहुत लायक बन चुके हो। फिर उसे उसका सूट दिखाता है और कहता है कि इस दीवार के पीछे बहुत बड़े बड़े रिपोर्टर बैठे हुए हैं और अब मैं तुम्हें अपनी टीम में लेने वाला हूँ और उन्हें एक नए एवेंजर से मिलवाने वाला हूँ इसीलिए अब तुम अपना नया सूट पहन लो। पीटर अपने नए सूट को देखकर बहुत खुश होता है। टोनी उसे कहते हैं कि प्रेस के बाद तुम यहीं रहोगे जिससे तुम अब सेट हो जाओगे। तो पीटर स्टार्क को मना कर देता है और कहता है कि मेरी आम जनता को जरूरत है क्योंकि अब पीटर भी समझ गया था कि अगर वो भी एवेंजर बन गया तो आम लोगों की हिफाजत कौन करेगा। टोनी यह सुनकर बहुत शॉक्ड हो जाते हैं और वो उसे कहते हैं कि तुम टेस्ट में पास हो गए। वो एपी को उसे वापस घर छोड़ने को कहते हैं। पीटर जब घर जाता है तो उसे मिस्टर स्टोक का पार्सल मिलता है जिसमें उसका सूट होता है। पीटर अपना सूट पहनकर बहुत खुश होता है और वो जैसे ही अपना मास्क खोलता है तो आंट में उसे देख लेती है और यहीं पर ये फिल्मी कहानी खत्म हो जाती है। और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।